उसके एग्जाम अगर खत्म हो गए हैं तो कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन। नहीं वो अपने घर जा रहा था वो। कौन? योगी बाबा। तो ये दोनों के दोनों बैग रेडी हैं, मैं भी बिल्कुल रेडी हूँ, लेकिन मैं रेडी हुआ कहाँ के लिए हूँ, तो मैं रेडी हो रहा हूँ घर के लिए। पीछे ये आवाज आ रही है कि यहाँ के पीछे एक अलग रूम है और वहाँ पूजा चल रही है, तो इसलिए घंटी की आवाज आ रही है। तो ऐसी कुछ बात है, और मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी कि हमारी एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है, तो एग्जाम की जो डेट शीट आई थी उसके हिसाब से 31 तारीख को हमारे एग्जाम खत्म हो चुके हैं। और अगर आपके भी एग्जाम थे तो आपको भी बधाई, मुझे भी बधाई। और अगर कोई व्यूअर ऐसा है जिसने HNB से एग्जाम दिए थे तो उसके एग्जाम अगर खत्म हो गए हैं तो कमेंट में वो भर सकता है कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन। और मैं लगभग 1-1.5 महीने के बाद आज घर जा रहा हूँ, और मैं घर कहाँ जा रहा हूँ, धर्मोला यानी कि अपने नानी के गाँव। तो अभी तैयार हो चुका हूँ घर जाने के लिए, नहा चुका हूँ, कपड़े पहन लिए हैं, पैकिंग बिल्कुल रेडी है, यानी कि अब बस जाने की देर है। तो फिलहाल वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। नमस्ते दगड़ियों, मेरा नाम सचिन कठैत और मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ श्रीनगर गढ़वाल से। तो अभी मैं जाऊंगा यहाँ से रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग से जाऊंगा सीधा अपने नानी के गांव यानी कि धर्मोला। तो पहले इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा श्रीनगर बस अड्डे, और उससे पहले मुझे कुछ 2-4 काम निपटाने हैं। तो 2-4 काम क्या है कि सबसे पहले तो मुझे भिंडी के बीज लेने हैं जो कि मैं अपने घर के लिए लूंगा बोने के लिए, एक काम तो ये है। दूसरा काम यह है कि मुझे एक सलवार पर सिलाई मरानी है, तो दो काम ये है, वो दो काम करूंगा। और उसके बाद जाऊंगा बस अड्डे पर, और बस अड्डे से फिर गाड़ी लूंगा, और वहां से फिर जाऊंगा रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग से जाऊंगा सीधे अपनी नानी के गांव यानी कि धर्मोला। तो जितनी भी वीडियो बन पाएगी आप देख लेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। और अभी फिलहाल जूते पहनता हूं और उसके बाद चलते हैं सीधे घर की ओर। तो यार जो एग्जाम का प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, यानी कि बहुत भयंकर वाला प्रेशर होता है। तो वो बिल्कुल सर से उतर चुका है, और मैं अपनी नानी के गांव इसलिए जा रहा हूं क्योंकि वहां बहुत बड़ी पूजा है जो कि 12 साल के बाद होती है। तो फिलहाल जूते पहनते हैं और उसके बाद चलते हैं। रूम से निकलने से पहले 2-4 चीजें चेक कर लेनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि मैं थोड़ा लंबे टाइम के लिए घर जा रहा हूं, लगभग 8-10 दिन से ज्यादा के लिए घर जा रहा हूं, तो कुछ चीजें चेक कर लेनी बहुत जरूरी होती है। तो उनको चेक करते हैं और उसके बाद चलते हैं, जैसे कि लाइट ऑफ कर लेते हैं, सिलेंडर ऑफ कर लेते हैं, तो चेक करते हैं उन्हें पहले। खिड़की बंद कर लेता हूं सबसे पहले, गैस का जो रेगुलेटर है उसे भी बंद कर लेता हूं, लाइट ऑफ। अभी रूम से निकल चुका हूं यार, सबसे पहले मैं गोला मार्केट जाऊंगा, गोला मार्केट से कुछ काम है, सबसे पहले भिंडी के बीज लूंगा जो कि मुझे घर ले जाने हैं, उसके बाद सलवार ठीक कराना है, कितनी बार मैं आपसे कह रहा हूँ, और उसके बाद जाऊँगा बस अड्डे, और जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ वहाँ से श्रीनगर का बेहतरीन नज़ारा दिख रहा है, तो उसे मैं आपको दिखाता हूँ। अभी यार मैं रुद्रप्रयाग पहुंच चुका हूं, और यहां से मैं धर्मोला की गाड़ी लूंगा, यानी कि अपने नानी के गांव की गाड़ी लूंगा और फिर धर्मोला चले जाऊंगा। तो अभी सीधे चलता हूं और गाड़ी के पास जाता हूं और वहां से गाड़ी लेता हूं धर्मोला के लिए। तो अभी मैं रुद्रप्रयाग पहुंच चुका हूं, आपको मैंने रास्ते का सफर दिखाया, इसके बाद धर्मोला तक का सफर दिखाते हैं, या फिर मैं सीधा आपको धर्मोला में मिलूंगा। तो यार अभी अपनी नानी के घर में पहुंच चुका हूं, और अभी फिलहाल दिन का खाना खाते हैं, मेरी नानी ने खाना बना रखा है, और सबसे पहले तो जो खाना बन रखा है उसे मैं अपने नाना को देता हूं, और उसके बाद खुद भी खाते हैं, तो ऐसी कुछ बात है। और बाहर बढ़िया सी धूप लगी हुई है, तो पहले अपने नाना को खाना देते हैं। तो यार काफी ज्यादा भूख लग चुकी है, क्योंकि सुबह को मैंने कुछ नहीं खाया था, और अभी दिन का खाना खाते हैं, और काफी दिनों के बाद घर का खाना खाऊंगा क्योंकि हम 1-1.5 महीने से श्रीनगर में थे, तो ऐसी बात है। और यहाँ गर्मी जो है वो श्रीनगर के मुकाबले थोड़ा कम है, लेकिन गर्मी तो है ही,
लेकिन श्रीनगर के मुकाबले थोड़ा कम है। और श्रीनगर से रुद्रप्रयाग आने में काफी ज्यादा गर्मी हुई बस में, लेकिन जैसे ही गांव के रोड में आए तो वैसे हम छत में बैठ गए। और छत में तो काफी बढ़िया हो चलती है गाड़ी के छत में, तो काफी मजा आ गया गाड़ी के छत में बैठ के। और फिलहाल अभी खाना खाते हैं, और यहाँ मेरी मौसी की लड़की काव्य भी आ रखी है, तो मैं काव्या से भी आपको मिलाता हूँ। तो ये है काव्या, और इसको आपने बहुत पहले की वीडियो में देखा होगा। तो काव्या से बोल हेलो गाइज, हेलो गाइज, इसको आधा मुंह से बोल हेलो गाइज, बोल हेलो गाइज। तो अभी ये शर्मा रही है, लेकिन धीरे धीरे मैं इसको कंफर्टेबल कर दूंगा फोन के कैमरे के साथ। और ये बोतल किसने दी तेरे को? किसने दी तेरे को? भाभी ने दी तेरे को? ऐसे बोल दो, वहाँ कोई देख रहा है तुझे, ऐसे बोल हेलो गाइज, हेलो गाइज बोल दो। भाभी ने दिया। तो अभी ये कुछ नहीं बोल रही है, हेलो गाइज कुछ नहीं बोल रही है, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से हम इसको खाना खाने के लिए लाए, नहीं तो ये खाना खाने के लिए आई नहीं रही थी, ये फोन देख रही थी। फोन क्यों देख रही थी? तो खाना खाने क्यों नहीं आ रही थी? क्यों नहीं आ रही थी तू खाना खाने? बोले बोल का बैठो, बैठ तब जा, जा। बैठ वहाँ पे बैठ, नीचे ए नीचे बैठ। वो चप्पल उतार पहले, चप्पल नहीं पहन दे, खाना खा दे, चप्पल उतार क्या बैठ, कहाँ पे बैठेगी? यहाँ पे बैठेगी, नीचे बैठ, बैठो 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 बैठ, वहां बैठ। खिचड़ी खाएगी तो भात खाएगी? कहीं दौरी बदल पे पैंट हम दौरी कबार दौर तुम। खाने में दाल और भात बना हुआ है, तो इस कमरे में मैं दही लेने के लिए आ रखा हूँ, क्योंकि दही से दाल और भात का जो स्वाद है और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें है दही, भात। खा खाना खा, नहीं तो मम्मी मारेगी। दे मान मान जो तू ढंग से था छोड़ दे ना, मेरा मन मैं नहीं करेंगे जान। चोर ले जाते तुझे, चोर चोर ले जोगी बाबा। तेरे को डर भी लगता जोगी बाबा से? डर भी लगता, डर भी लगता है, लेकिन खाना नहीं खाना है, ठीक है? तो अभी इसको सुला देता है, नहीं तो ये धूप में जाएगी बाहर और इसकी मम्मी हमारे लिए हल्ला करेगी। अभी सो जाएगी तो ठीक है, क्या करेगी तो? सो जा, तो आंखें बंद कर, चम कर आंखें बंद कर, आंखें बंद कर। अभी खाना भी खा लिया है, और खाना खाने के बाद तो भयंकर नींद आ रही है, और जैसे जैसे गर्मियों की बारी आती है वैसे वैसे दिन में खाना खाने के बाद बहुत भयंकर वाली नींद आने लग जाती है। अभी इसके बाद सो जाता हूँ, और इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको जरूर से पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। इसी के साथ आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड।